क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 202 सर आंसर इज लेट ऑन टेबल सर व्हाट स्टेप्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग टू एंश्योर दैट द बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी इंपोर्ट एजुकेशन विच इज हिस्टोरिकल एंड कवर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस लाइक मिशन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल आप सदन नहीं चलाना चाहते मान्य सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछना चाहते आप सदन में बिराजे मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा ये सदन आपका है आप क्या बोलना चाहते थे सर सर मैं ये कहना चाहता हूं आज सर आपकी अनुमति से आइटम नंबर 20 प्राइज राइज का डिस्कशन इनकी डिमांड पे लगा हुआ सर ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहते सर हम चर्चा करना चाहते हैं जो इन्होंने प्राइज राइज की डिमांड की थी वो भी हमने सदन में चर्चा के लिए लगा रखा सर ये चर्चा करें और आपकी अपील माने और ये अपने अपने अपनी सीट पर सदन की मर्यादा को और कुछ ना और समझे सर इस तरीके से सदन चलाना उचित नहीं मैं सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही जो अभी तक जारी थी लेकिन वो स्थगित हो गई क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है और हंगामे के बीच एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित जो है वो किया गया है बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं क्योंकि लगातार आपको बता दें कि हंगामा जो था जैसे ही शुरू हुई कार्यवाही उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया और इसी हंगामे के चलते अब कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है तो राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है 12 बजे तक ये कार्यवाही को स्थगित किया गया है राज्यसभा की कार्यवाही को तो हंगामे लगातार हो रहा था हंगामे को देखते हुए हंगामे के बीच आपको बता दें कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है तो अब सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं क्योंकि सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात करें विपक्षी बात करें तो कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी कि जीएसटी पर हम चर्चा चाहते हैं महंगाई पर हम चर्चा चाहते हैं और इसके अलावा जो सांसद निलंबित होते हैं उन पर चर्चा चाहते हैं लेकिन अब शिवसेना भी इसमें एंटी कर चुकी है अब शिवसेना जो है वो ये कह रही है कि हम ईडी के बेजा इस्तेमाल पर चर्चा चाहते हैं तो अब देखना होगा कि सरकार आखिर किस पर चर्चा करने के लिए पहले तैयार होती है हालांकि सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम हर मुद्दे पर हर मसले पर चर्चा करने को तैयार है लेकिन विपक्षी नहीं चाहता कि हम किसी मुद्दे पर चर्चा करें यही वजह है कि लगातार हंगामा जो है वो हो रहा है लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है तो राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है में लगातार हंगामा जो था वो देखा जा रहा था लिहाजा दोनों सदनों में हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को जमकर घेर रहा है और ऐसे में जब भारी हंगामा हो रहा है हंगामे के चलते न किसी बात पर चर्चा हो पा रही है और आपको बता दें कि ना ही किसी बात पर किसी मुद्दे पर आगे बढ़ पा रहे लिहाजा एक बार फिर से वही हुआ जो अब से शुक्रवार को हमने स्थिति देखी थी कि क्या हुआ था पीयूष शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष जिस तरीके से एक बार फिर से आज उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद हंगामा ना हो उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो चर्चा हो लेकिन फिर से वही हुआ जैसी कार्रवाई शुरू हुई भारी हंगामा हुआ और हंगामे के चलते फिर से 12 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया आखिर ऐसे कैसे चलेगा सदन देखिए हंगामे के आसार पहले से भी थे और लगातार इस बात को की चर्चा भी की जा रही थी कि हंगामा जो है वो इस बार जब सोमवार को सदन खुलेगा तो जरूर होगा क्योंकि संजय राउत का भी मुद्दा था उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से कई मुद्दे उठा रहे थे तो साफ जाहिर था कि इस बार हंगामा बहुत ज्यादा होने की संभावना है सोमवार को हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इस बात की चर्चा थी कि महंगाई पर प्राइस राइज पर इस ये जो विषय है इन पर चर्चा होगी लेकिन जिस तरह से हंगामा करना शुरू किया विपक्ष ने उसके बाद से सदन की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक स्थगित की गई है लेकिन अब देखना है कि आगे क्या विपक्ष 12 बजे शांत होता है चर्चा आगे हो सकती है
या फिर ये सदन रोज की तरह जैसा कि शुरुआत से चला आ रहा है बार बार स्थगित होता है उसी तरह स्थगित होता रहेगा। ठीक है पीयूष, ऐसे में एक चीज और समझना चाहेंगे, जो अभी मौजूदा हालात है संसद के अंदर, अगर हम बात करें विपक्षी, तो विपक्ष पहले से चाहता था कि जीएसटी पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, लिहाजा हंगामा लगातार हो रहा था, लेकिन अब शिवसेना भी इस कड़ी में कूद चुके, शिवसेना ये कह रही है कि अब वो ईडी के बेजा इस्तेमाल पर चर्चा चाहती है, और ऐसे में अब सरकार के लिए कितनी चुनौती संसद को सही से चलाने के लिए। देखिए बिल्कुल, सरकार के पास बहुत सी चुनौतियां हैं संसद को कैसे सही चलाया जाए, और आपको याद भी होगा निदा की शुरुआत के वक्त में प्रधानमंत्री ने इस बात की का जिक्र भी किया था कि जितनी गर्मी बाहर है उतनी गर्मी सदन के अंदर भी हो, लेकिन मेरी अपेक्षा यह है कि सदन सुचारू रूप से चले। तो सरकार लगातार इस बात का जिक्र भी करती है, विपक्ष से भी साझा सदन चलाने की बात करती है, लेकिन अब विपक्ष, चूंकि ईडी ने जिस तरह से संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की है उसके बाद अब शिवसेना भी इस जंग में कूद पड़ी है, तो जाहिर सी बात है हंगामेदार तो आज का सदन है ही। पीयूष, जिस तरीके से अब कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है शिवसेना को, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन साफ साफ कह चुके हैं कि हम संजय राउत के साथ हैं, तो उम्मीद करें कि अब जब 12 बजे फिर से शुरुआत होगी तो फिर से हंगामा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अभी कई सारे सांसद अपने हाथ में तख्ती लेकर अंदर जाते हुए दिखाई भी पड़े थे, उनकी गाड़ियों में तख्तियां रखी हुई थी, निश्चित तौर पर आज भी उसी तरह के दृश्य, उसी तरह की चीजें देखने को साफ मिलेंगी। ठीक है, चलिए पीयूष, आपने जरा बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट जो है वो हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार हंगामा जो है वो चल रहा है, राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि एक बार फिर से जब सोमवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन शुरू होते ही हंगामा हुआ, और एक बार फिर से 1 घंटे के लिए हंगामे की भेंट ये पूरी कार्यवाही चढ़ गई, क्योंकि अब 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, 12 बजे तक के लिए वही लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष ये कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं कई अहम मुद्दों पर, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। वहीं सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो जानबूझकर कार्रवाई को बाधित कर रहा है, क्योंकि विपक्ष खुद ही नहीं चाहता कि हम चर्चा करें और हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। फिलहाल हंगामा हुआ, हंगामे के बाद लोकसभा की भी कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि जब 12 बजे फिर से सदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या तब भी सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट ये कार्यवाही चढ़ेगी, या फिर कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो पाएगी, चर्चा भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि संजय राउत का मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो 12 बजे तक का इंतजार, जब दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू होगी तो क्या हंगामा होता है या फिर वाकई में चर्चा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार को जब सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब कुछ मुद्दों पर, कुछ बिल्स पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत का मसला अचानक से आया, ईडी उनके घर पहुंचती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर आज उन्हें कोर्ट पर पेश किया जाएगा, अब शिवसेना ये चाह रही है कि ईडी के बेजा इस्तेमाल पर सदन में हम चर्चा करें, कांग्रेस जो है वो समर्थन देती नजर आ रही है, कांग्रेस पहले से ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरे हुए है, लिहाजा हंगामा जो है वो लगातार जारी है। तो